आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे कुंभ लग्न में राहु की। राहु की पोजीशंस को हम डिस्कस करेंगे एक्वेरियस लग्न के अंदर सारे घरों में वन बाय वन। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम, जैसा कि आप में से मेरे सब्सक्राइबर जनरली जानते हैं कि हम हर अल्टरनेट डे में या दो दिन के बाद एक लाइव सेशन करते हैं, जिसमें मैं आपके सारे सवालों के एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करता हूं। अगर आपका कोई, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपको टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पता है, तो उसके बेस पर हम आपकी कुंडली बना के लाइव मैं आपको समझाता हूँ कि क्या है, क्या आपकी कुंडली में पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, और मैं बेसिकली आपके क्वेश्चंस को आंसर करता हूँ। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन लेनी है तो आप लाइव सेशन में आ सकते हैं, लाइव सेशन में कमेंट कर सकते हैं और आप अपना जो भी क्वेरी है वो जान सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं राहु के साथ। राहु की पोजीशन पहले घर में, पहला घर मतलब शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है। एक्वेरियस लग्न कुंभ लग्न ये इसलिए बना क्योंकि 11 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, 11वीं नंबर राशि होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य, सॉरी, कुंभ राशि में राहु देवता बहुत पॉजिटिव माने जाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शनिवत राहु और कुजवत केतु। शनिवत राहु मतलब ये इनकी शनि की परछाई है, शनि के समान ही फल देते हैं और उनकी परछाई है। तो पहले हाउस में राहु बहुत अच्छा देंगे, रिजल्ट देंगे, एकदम बहुत सडन राइज दे देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर रहती है इंसान की, पहली चीज़ है कि राहु डिले के भी कारक है। पहला घर हमारे सेल्फ का होता है, राहु डिले के कारक है। पहला घर हमारे मतलब आप कह सकते हैं हमारे नेचर दिखाता है, जैसे नेचर से राहु थोड़े से रूडी होते हैं, तो थोड़ा सा जातक इसमें थोड़ा सा मतलब रूड किस्म का हो सकता है, उसका बोलना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता, थोड़ा कलर उनका मतलब बहुत ज़्यादा गोरा नहीं होगा। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो लव अफेयर्स मल्टीपल दे सकते हैं, धोखा हो सकता है लव अफेयर्स में, लेकिन माइंड से काफ़ी अच्छा होगा ऐसा, मतलब टैलेंटेड माइंड हो जाए, माइंड काफ़ी टैलेंटेड होगा, सीखने की इच्छा बहुत ज़्यादा बनी रहेगी। और पेट से संबंधित बीमारियां नहीं देंगे राहु देवता। राहु देवता हेल्प करेंगे आपकी इस कुंडली में, अगर इनके, अगर राहु देवता पहले भाव में पड़े होंगे तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। सप्तम भाव में मैरिज से डिले करेंगे थोड़ा सा। नवम भाव में स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करवाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिए कि इनको अच्छे नक्षत्र और सब लॉर्ड में होना ज़रूरी है। अगर ये अच्छे नक्षत्रों में नहीं होते हैं तो राहु देवता इस पहले घर में पड़े हुए भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देंगे। सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस हमारा घर होता है, हमारे धन का होता है, एक्यूमुलेटेड वेल्थ का होता है, एक्यूमुलेटेड नॉलेज का होता है हमारा, हमारे बोलने का हाउस होता है, टेस्ट का हाउस होता है। तो सेकेंड हाउस अगर राहु देवता बैठे हो तो थोड़ा सा बोलना इंसान का रफ बना देते हैं, पैसा सडनली आता है, पैसा काफ़ी अच्छा आएगा। लेकिन कुछ भी है, दूसरा घर जो है ये है गुरु का, क्योंकि 12 नंबर राशि है तो गुरु का घर है, तो ये थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम ज़रूर देंगे। पैसे से रिलेटेड आ तो जाएगा लेकिन खर्च बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर दूसरे घर का संबंध बना 11वें घर के साथ तो ठीक है, तो आपका मतलब पैसा आते रहेगा, आप स्टेबल भी रख पाएंगे, अदरवाइज आप स्टेबल नहीं रख पाएंगे। दूसरे का संबंध अगर दूसरे भाव का संबंध किसी अच्छे भाव के साथ बन गया, 10वें के साथ बन जाए और 9वें के साथ बन जाए, पंचम के साथ बन जाए, 4थे के साथ बन जाए, तो ये अच्छा है, ये आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेंगे, अदरवाइज ये प्रॉब्लम देंगे। 6, 8, 12 के साथ इनका संबंध नहीं बनना चाहिए, अच्छे नक्षत्रों और सब लॉर्ड के अंदर इनको होना चाहिए। थर्ड हाउस, तीसरा घर होता है हमारा कम्युनिकेशन का, हमारे कॉन्फिडेंस का, हमारे नेबर्स का, छोटे भाई बहनों का। तो तीसरा भाव जो है, तीसरा भाव अगर यहाँ पे राहु देवता पड़े तो ओवर कॉन्फिडेंट जरूर बना देते हैं जातक को। ऐसे जातक होते हैं जिनमें थोड़ी सी, अगर मैं कहूँ तो, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं अगर ये मंगल के साथ हुए और अच्छे नक्षत्रों और सब लॉर्ड के अंदर नहीं होते हैं। तो कम्युनिकेशन इनका ऐसा होता है कि आधी बातें, मतलब अगर अच्छे सब लॉर्ड, अच्छे नक्षत्र के अंदर हुए तो जातक आधे काम अपने बोलने की वजह से बना लेगा। इतना अच्छा बोलता होगा, इतना उनकी, उसका कम्युनिकेशन इतना इफेक्टिव होगा कि वो आधी, अपने आधे काम जो होंगे वो अपने बोलने की वजह से होगा। ऐसे लोग मार्केटिंग में बहुत अच्छा करते हैं। तीसरे घर का संबंध अगर 9वें और 12वें के साथ बन जाए तो फॉरेन ट्रैवल राहु देवता जरूर करा देते हैं। 11वें के साथ बन जाए तो फॉरेन ट्रैवल से आपको गेंस बहुत सारे होते हैं। दूसरा और चौथा भाव बीच में आ जाए 3, 9, 12 के, तो आपको फॉरेन में सेटलमेंट भी दिला देंगे। चौथे भाव में राहु देवता, चौथा घर हमारे लग्जरीज का होता है, लग्जरीज, और ये चौथा घर वैसे जनरली अगर हम कुंभ लग्न की कुंडली में देखें तो शुक्र का घर माना जाएगा। तो ये शुक्र और राहु में बहुत अच्छी, मतलब
एक इनकी फ्रेंडशिप वगैरह पे हैं, तो क्योंकि दोनों ग्रहों में के अंदर काफ़ी अच्छा सामंजस्य है। तो चौथे घर में आपको लग्जरीज देंगे। जॉब में स्टार्टिंग में थोड़ा ट्रबल ज़रूर दे सकते हैं, जॉब में टेंशन ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे नक्षत्रों में हुए। चौथे घर का संबंध 11वें के साथ बना दिया, चौथे घर का संबंध 10वें के साथ बना दिया, लेकिन पहला घर बीच में नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन होती है फोर्थ हाउस के साथ। राहु देवता यहाँ पे आपको लग्जरीज होंगे, माता से थोड़ा सा दूर रखेंगे। 10वें घर में के साथ आपको जॉब अच्छी ज़रूर दिला देंगे, थोड़ी टेंशन्स रहेंगी जॉब में, ये सब यहाँ से होगा। 8वें घर में जो दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल देंगे ज़रूर, बट विथ सॉल्यूशन। चौथे घर का संबंध 8वें घर के साथ और 8वें 12वें के साथ बन गया तो प्रॉपर्टी में नुकसान होगा, माता के साथ मतलब एक आप कह सकते हैं ना, मतलब बात बनेगी नहीं उनके साथ, तो ये सब हो सकता है कि छठा आठवा बारहवा बीच में आए। तो पंचम भाव में राहु देवता पंचम भाव, क्योंकि लव अफेयर्स का होता है, हमारे पेट का भी देखा जाता है, बुद्धि देखा जाता है, क्योंकि राहु देवता इनके अंदर एक कैरेक्टर होता है, ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते। अगर मैं बात करूँ राहु देवता की, राहु देवता साइंटिस्ट हैं, राहु देवता अगर स्वीपर की बात करूँ तो स्वीपर को भी राहु का कारक माना जाता है, साइंटिस्ट को भी माना जाता है, मजिशियन को भी माना जाता है, और जो फॉरेन ट्रेवल्स सॉरी मतलब ये जो आप कह सकते हैं स्पेस ट्रेवल करते हैं, इन पे राहु देवता का सबसे ज़्यादा इन पे माना जाता है आधिपत्य। तो ये सब चीज़ें हैं। पंचम भाव में राहु देवता मल्टीपल लव अफेयर्स दे सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, माइंड बहुत शार्प होगा बनेगा और काफ़ी अच्छी चीज़ें अचीव कर पाएगा अपनी लाइफ में। यहाँ से जो दृष्टि डालेंगे 11th हाउस में, क्योंकि पंचम और 11वें का संबंध बन चुका है दृष्टि के कारण, बस इतना है कि नक्षत्र अच्छे होने चाहिए। अगर अच्छे नक्षत्र में होंगे तो ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यहाँ से आपको बहुत माइंडेड बहुत शार्प माइंडेड बना देंगे। देखिए यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता की सबसे अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, अगर 5, 11, 4 बीच में आ रहा है, 4 के साथ 11वें का भी संबंध बन रहा है, तो क्या होगा, ज़्यादा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होगा, भले ही वो मार्क्स मार्क्स और इंटेलिजेंस में अंतर है, एकेडमिक्स में तो अच्छा नहीं होगा लेकिन बहुत इंटेलिजेंट होगा, बहुत शार्प माइंडेड होगा, नई नई चीज़ों को उस करने का उसके अंदर उत्साह होगा और बहुत सारी चीज़ें करेगा। लेकिन लव अफेयर्स में मल्टीपल हो सकते हैं, धोखा हो सकता है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। छठे भाव में राहु देवता रोग ऋण ये भी दे सकते हैं, क्योंकि छठे भाव में छठा भाव चंद्रमा का है, बहुत पॉजिटिव नहीं माने जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन है, छठे भाव का संबंध अगर दसम भाव के साथ बन गया, आठवां बारहवा बीच में नहीं आना चाहिए, जॉब में बहुत अच्छा राइज दे देंगे, प्रमोशन दिला देंगे, और लेकिन और अगर 1, 6 और 10 का संबंध बन गया तो मैरिज में थोड़ी सी दिक्कत दे देंगे। अगर आपका छठे के साथ 11वें का संबंध बन गया, 6, 10, 11 का, तो जॉब में बहुत अच्छा प्रमोशन आपको मिल जाएगा। अकेला अगर 8 और 12 अकेले अगर छठा घर है और 8 और 12 बीच में नहीं आ रहे हैं तो आपको छठा घर कोई नुकसान नहीं देगा। सप्तम भाव में बैठे हुए राहु देवता थोड़ा सा मैरिज में डिले कर सकते हैं, और थोड़ा सा जातक को थोड़ा सा मेंटल टेंशन में ज़रूर रखेंगे थोड़ा सा, लेकिन अगर थोड़ा कोल्ड नेचर जातक को नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये पोजीशन बहुत नेगेटिव नहीं है। पार्टनरशिप में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तभी होगी जब 8वां घर बीच में आता है, क्योंकि 8वां और 12वां घर और छठा घर बीच में आता है, छठा घर क्योंकि ब्रेक का घर होता है, ब्रेक इन रिलेशनशिप, ब्रेक इन पार्टनरशिप, अगर वो आता है तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज अगर यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता 11वें के साथ संबंध बना ले, दूसरे के साथ संबंध बना ले, तो ये बहुत पॉजिटिव होंगे, ये आपको बहुत अच्छी मैरिड लाइफ दे देंगे। यहाँ से अगर यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता का संबंध अगर आप मान के चलिए दूसरा 7वां 10वां 11वां इनके साथ बन के 10th हाउस 11th का संबंध, तो बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सेल करवा देंगे। 8th हाउस में बैठे हुए राहु देवता बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं माने जाएंगे, ऑब्स्टेकल मेंटेन टेंशन देंगे इन जनरल केस। लेकिन अगर सिर्फ देखिए, अगर मैं पहले कह रहा हूँ ये 6, 8वां 12वां तीनों का नेगेटिव होते हैं, इन दो का कॉम्बिनेशन नहीं आना चाहिए। देखिए मैं बताता हूँ आपको, 8वें और 11वें का संबंध 6वां और 12वां बीच में नहीं है तो ये आपको लेगेसी दे देंगे। सडन आपके पास कहीं से पैसा आएगा, चाहे हो सकता है कैसे भी आए, आपको शेयर मार्केट में फ़ायदा हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको फ़ायदा हो सकता है, ऑकल्ट में आपकी रुचि होगी। अगर 8वें 9वें और 11वें का संबंध बन गया तो आप बहुत सारी अच्छी विद्याएं सीख सकते हैं, गुप्त विद्याओं में आपका इंटरेस्ट होगा, गुप्त विद्याएं नहीं गुप्त चीज़ों में भी आपका इंटरेस्ट होगा और बहुत सारी चीज़ें आप कर पाएंगे। अगर आठवें अगर अकेला है तो नवम भाव में बैठा हुआ राहु देवता धर्म से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे देंगे, डिपेंड करता है इनके नक्षत्र और सब लॉर्ड में। अगर नवम भाव में बैठे हुए राहु देवता का संबंध 30वें और 12वें के साथ होता है तो फॉरेन ट्रैवल करवा देंगे, 3रे 12वें और 11वें के साथ होता है तो फॉरेन ट्रैवल से बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं,
पांचवे और नवे का संबंध बनता है तो इंसान के अंदर एक शालीनता आती है, पोलाइटनेस आती है, बहुत सॉफ्ट नेचर्ड होता है और इंट्यूशन पावर अच्छी होती है अगर पाँच नौ और दस का संबंध दसवें का संबंध बन जाता है तो। पाँच नौ दस ग्यारहवा इन चारों घरों का संबंध बन गया तो आप समझिए उस जातक की इंट्यूशन पावर किसी चीज़ को पहले से जान लेने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। दसम भाव में बैठे हुए राहु देवता जॉब से रिलेटेड रिजल्ट देंगे यहाँ पर जरूर, और ज़रूरी नहीं है जॉब से रिलेटेड ही देंगे। अब यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता का संबंध किस घर से बन रहा है, सपोज़ कीजिए ग्यारहवें घर से बन रहा है तो आपको बहुत अच्छा राइज दे देंगे लाइफ में, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन भी बन जाता है, क्योंकि मैं आगे कभी एक्सप्लेन करूँगा न्यूमरोलॉजी में, अगर डेट ऑफ बर्थ का कॉम्बिनेशन भी इन दस और ग्यारह के साथ बन जाता है तो आप बहुत लग्जूरियस लाइफ जियेंगे। दसम का भाव का संबंध बन जाता है, अगर सपोज़ कीजिए एक और दसवें का संबंध बन जाता है तो यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता आपको मैरिज में भी प्रॉब्लम देंगे। अगर दसवें का संबंध यहाँ से बन जाता है आपका बारहवीं के साथ तो ये थोड़ा सा जॉब में प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर छठा आठवां और दसवें का संबंध बनता है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है, जॉब से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देंगे। दसम भाव का संबंध जनरली दो चीज़ों के लिए देखा जाएगा, एक जॉब और एक आपकी मैरिज। अगर और आप बाकी चीज़ों के लिए भी देखा जाएगा, हम ये देखेंगे कि किसने कितना गेन हो सकता है। टेंथ हाउस हमारी जनरली हमारी सक्सेस को भी दिखाता है। इलेवंथ जैसे मैंने पहले बताया, टेंथ और इलेवंथ का कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव। फर्स्ट ऑफ वन 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 सिक्स टेन मतलब है कि ये थोड़ा नेगेटिव कॉम्बिनेशन होगा मैरिज के लिए। यहाँ पे बैठे अगर ये अंतरदशा और दशा में आएंगे तो आपको मैरिज ख़राब करने का काम करेंगे। अगर इनका संबंध दसवें के अकेला दशा घर दसम घर बीच में आ रहा है और दो सात ग्यारह भी आ रहा है तो ये आपकी मैरिज को ख़राब नहीं करेंगे। और इलेवंथ हाउस में बैठे हुए रहोगे तो देखिए मैं जनरली आपको हर कोई यहाँ पर बताएगा कि ये नीच के हो जाएंगे और बहुत नेगेटिव रिजल्ट लेंगे, लेकिन नहीं, अगर यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता का संबंध दसम भाव से हो जाता है तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, आप अपनी लाइफ में एक्सेल करेंगे, स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता का संबंध पंचम भाव के साथ हो जाता है तो आपको लव अफेयर्स में कामयाबी मिल जाएगी, आर्टिस्टिक नेचर के होंगे, आर्ट से आप पैसा कमा पाएंगे। यहाँ पर जब पाँचवें दसवें और ग्यारहवें का संबंध हो जाता है तो आप फिल्म लाइन में, और लेकिन उसमें आठ और बारह बीच में आ जाना चाहिए, अगर नहीं भी आता है तो कम से कम 12 बीच में आना चाहिए तो वो आप एक फिल्म इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं और बहुत नाम कमाएंगे अगर दसवें पंचम दसम ग्यारहवें और बारहवें का संबंध बन जाता है तो। यहाँ पर बारहवें घर में बैठे हुए देवता राहु देवता, ट्वेल्थ हाउस हमारा होता है जेल का होता है, कन्वाइनमेंट्स का होता है, हमारे इन्वेस्टमेंट का होता है, खर्चों का होता है और लंबी यात्राओं का होता है, फॉरेन ट्रेवल्स भी हम ट्वेल्थ हाउस से देखते हैं। अगर ट्वेल्थ हाउस का यहाँ पर बैठे हुए राहु देवता संबंध बना लेते हैं तीसरे भाव के साथ, नवम भाव के साथ, ग्यारहवें भाव के साथ, फॉरेन ट्रेवल्स में कामयाबी दे देंगे। यहाँ पे बैठे हुए राहु देवता आठवें घर के साथ संबंध बना लेते हैं, छठा घर बीच में नहीं आना चाहिए, आठ और बारह थोड़ा सा नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी आठ ग्यारह और बारहवें के साथ संबंध बना लेते हैं और टेंथ के साथ बना लेते हैं। अगर ट्वेल्थ इलेवंथ और टेंथ तीनों घर बीच में आते हैं तो जहाँ तक बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ कमा सकता है, मतलब पैसा लगा के उसको पैसा काफ़ी इन्वेस्ट, अगर वो छोटा सा भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। फॉरेन ट्रेवल्स का मैंने आपको यहाँ से बता दिया, लेकिन यहाँ से जेल यात्रा करा सकता है अगर दो तीन छः आठ और बारह ये घर मिल गए तो ये आपको जेल यात्रा भी करा सकता है। अब कॉम्बिनेशन देखना होगा कि राहु किसके नक्षत्र में है, किसके सब लॉर्ड में है, जिसके नक्षत्र और सब लॉर्ड में होगा उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा, जैसे कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन बना दिए बता दिए। तो फ्रेंड्स आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और मैंने पहले ही जैसे बताया हम लाइव सेशंस करते हैं हर अल्टरनेट डे में या हर दो दिन के बाद लाइव सेशन मैं करता हूँ, आप किसी भी सेशन में आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इट्स कम्प्लीटली फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।